ये देखो गाइस, 500 रुपये पे लाल किला, और ये रियल में लाल किला। अच्छा आया ना लुक, ये देखिए। लगभग यहाँ पे 25,000 लोग बैठ सकते हैं, एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। खासतौर ईद के दिन बहुत ज़्यादा क्राउड होता है यहाँ। ये मुस्लिम भाई की आस्था का केंद्र, ये देखिए भारत की प्रसिद्ध मस्जिद जामा मस्जिद। प्रथम विश्व युद्ध में जो ब्रिटिश सैनिकों के साथ भारतीय शहीद हुए थे उनकी याद में बनाया था, इसका निर्माण किया गया था। एक तरह से शहीद स्मारक है। इसका वास्तुकार एडविन लुइस था। गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मैं शैलेंद्र वर्मा, राजधानी दिल्ली से आपका नया वीडियो में स्वागत करता हूँ। गाइस, आज का वीडियो दिल्ली दर्शन पर होने जा रहा है। मैंने 3 लोकेशन डिसाइड करी है आपको दिखाने के लिए। तो गाइस, फर्स्ट लोकेशन पर चलते हैं। अभी मैं वो लक्ष्मी नगर फ्लाईओवर पे हूँ, और फर्स्ट लोकेशन पर चलते हैं, आपको सीधा मिलते हैं डायरेक्ट उधर ही। ओके, चलो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो गाइस वेलकम बैक अगेन। हम फर्स्ट लोकेशन पे पहुंच गए। ये देखो पीछे रेड फोर्ट, लाल किला दिल्ली का। ये हमारे फर्स्ट लोकेशन है, और अच्छे से आगे चलते हैं और आपको अच्छे से दिखाते हैं। ये देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट मैं अगर किसी को देखने आऊँ तो वो दिख रहा है ना आपको, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। ये देखो कितना सुंदर दिख रहा है ना। बस स्पेशल इसी को देखने आया हूँ मैं, और आपको भी दिखा रहा हूँ। काफी गर्मी है आज दिल्ली में भी। ये देखो गाइस, 500 रुपये पे लाल किला, और ये रियल में लाल किला। अच्छा आया ना लुक, ये देखिए। ये जैसा कि आप देख पा रहे हो ना, ये पूरा हमारा राष्ट्रीय ध्वज कितना अच्छा लग रहा है ना। और जैसा कि आपको ये पूरा देख रहे हैं ना लाल किला, ये लाल बलुआ पत्थर से पूरा इसका निर्माण हुआ है, ये जिसको रेड फोर्ट, रेड स्टोन भी बोलते हैं। ये देखिए, ये पूरा ये खाई है। लगभग इसकी दीवार की लंबाई होगी ना लगभग 50 फुट की है, और इस खाई में यमुना का पानी आता था। काफी भव्य किला है, दिल्ली में सबसे ऐतिहासिक जगह देखने लायक है तो अपना रेड फोर्ट, आजादी का प्रतीक। जैसा कि गाइस आपको पीछे देख रहा है, ये हम फर्स्ट लोकेशन लाल किले पे हैं दिल्ली का। ये देखिए, और ये आगरा के किले से प्रेरित होकर जब शाहजहां ने अपनी राजधानी दिल्ली को घोषित किया था, तो आगरा किले से प्रेरित होकर इसका निर्माण किया गया था। और इसका निर्माण 5वें मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। 1638 में कार्य स्टार्ट हुआ था, जो जाके पूर्ण 1648 में, लगभग 10 साल लग गए थे इस किले को पूरा बनने में। ये देखिए, आजादी का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद फर्स्ट टाइम हमारे जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, यहाँ ही देश को संबोधित किया था और राष्ट्रीय ध्वज लहराया था। ये जैसा कि आप देख पा रहे हो ना, ये देखिए, एक तो राष्ट्रीय ध्वज का तिरंगा है, और ये दूसरा आप देख रहे हो ना, ये हमारे इंडियन आर्मी का है। ये देखिए, आज काफी क्राउड है। ये देखिए, और गर्मी भी बहुत ज्यादा है भाई। गाइस थोड़ा आगे चलते हैं इस साइड में, क्योंकि एंट्री वहां से ही है। मैं अंदर जाके अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि काफी अंदर अच्छी जगह है देखने के लिए। म्यूजियम भी बना रखा है, और महल भी काफी अच्छे हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से दिखा है। बस मैं स्पेशल इसलिए इसको देखने आया था, और आपको भी दिखाऊंगा, आप भी आना। अच्छा है, ऐतिहासिक इमारतों में से दिल्ली में सबसे अच्छी इमारत है, ठीक है। ये देखिए गाइस, काफी खूबसूरत दीवार है,
और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है, लगभग 50 फीट की लंबाई है ये देखिए। और हमारे इंडियन आर्मी के जवान ये देखो लाल किले की रक्षा करते हुए, और हमारा शान से फहरता हुआ राष्ट्रीय ध्वज ये देखिए। नहीं एक बात तो है, शाहजहाँ ने जितनी भी इमारत बनाई है ना भाई, ऐतिहासिक और खूबसूरत काफ़ी हैं, जैसे आगरे का लाल किला और ये रेड फोर्ट काफ़ी सुंदर है भाई। और मैन देखो राजा के साथ अगर मैं किसी को सबसे इम्पोर्टेंट मानता हूँ ना तो भाई कारीगर, क्योंकि कारीगर के बिना ही इनकी कोई पहचान नहीं थी। सबसे खूबसूरत बनाने में कारीगरों का महत्वपूर्ण स्थान है, ये देख रहे हो भाई काफ़ी खूबसूरत है। ये देखो झील होती थी, इसमें पानी आता था यमुना नदी का, ये देखो एक बार और लास्ट देखो, ये एंट्री द्वार है, यहाँ से ही अंदर जाते हैं। ये थोड़ा आगे दिखा देता हूँ, जो मुगल कालीन की तोप रखी है ना वो देखो, ये मुगल कालीन की तोप है ये देखिए। ये आप आके यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। और मैं अब गाइस चलते हैं आप सीधा दूसरी लोकेशन में, क्योंकि देखो अंदर काफी बड़ा है और धूप भी हो रही है भाई, परेशान हो जाओ। म्यूजियम वगैरह है और महल वगैरह है उसको, ठीक है आप विजिट कर सकते हैं भाई। मैं अब सेकंड लोकेशन पे चलता हूँ, ठीक है चलो सेकंड लोकेशन पे आपको सीधा मिलूंगा। ओके चलो सो गाइस वेलकम बैक अगेन। ये हमारी सेकंड लोकेशन है जामा मस्जिद, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। भारत देश में वैसे काफी मस्जिद है, उनमें सबसे प्रसिद्ध मस्जिद जामा मस्जिद है, ये देखिए पूरा ये मेन गेट है ये देखिए। और इस मस्जिद का भी निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था, लगभग 10 से 12 साल लग गए थे इसको पूरा बनने में। 1644 से लेके 1656 तक इसका निर्माण हुआ था ये देखिए। ये मुगल काल में उनके राजधानी का केंद्र होता था ये देखिए, काफी खूबसूरत गेट है। मुस्लिम भाइयों का एक तरह से आस्था का केंद्र है ये देखिए। ये हमारी दूसरी लोकेशन है और अंदर चलते हैं, अंदर भी आपको दिखाते हैं। ये देखो गाइस काफी भव्य गेट है, ये मस्जिद का एंट्री का गेट है ये देखो, कितना सुंदर बना रखा है। आज काफी क्राउड है ये देखो, काफी लोग आए हुए हैं। ये एंट्री का गेट, मेन गेट से एंट्री कर लिया गाइस ये देखो, ये पूरा जामा मस्जिद। लगभग यहाँ पे 25,000 लोग बैठ सकते हैं एक साथ, नमाज पढ़ सकते हैं, खासतौर ईद के दिन बहुत ज्यादा क्राउड होता है यहाँ। ये मुस्लिम भाई की आस्था का केंद्र ये देखिए, भारत की प्रसिद्ध मस्जिद जामा मस्जिद आपको दिखा रहे हैं। ये अंदर का पूरा व्यू है ये देखिए, आगे चलते हैं आगे भी दिखाते हैं आपको। ये देखो गाइस एक तरह से वजू खाना है यहाँ पे, नमाज जो लोग पढ़ते हैं ना वहाँ हाथ पैर धोते हैं इसमें वजू खाने में। ये मस्जिद के जस्ट सामने ही है ये देखो, काफी लोग हाथ पैर धो रहे हैं ये देखिए। ये हमारी दूसरी लोकेशन है जामा मस्जिद दिल्ली। काफी भव्य मस्जिद है मुगल काल की, एक तरह से उनकी राजधानी होती थी ये, इसका भी निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था ये देखिए। सो गाइस अपनी तीसरी लोकेशन पर चलते हैं, ये जामा मस्जिद ठीक है। ये पूरा एक बार और दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ये मीनार और ये जामा मस्जिद ये देखिए। चलते हैं बाहर और अपनी तीसरी लोकेशन पे चल के मिलता हूँ डायरेक्ट। ओके चलिए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर सो गाइस लास्ट लोकेशन इंडिया गेट के लिए जा रहे हैं, मेन गेट
अभी बंद था उधर से, इधर से घूम के होके जाना पड़ रहा है भाई। जमा मस्जिद का दही बड़ा और राजा और भाई और क्या था वो बिरयानी खा के मजा आ गया। देखो मेरे पेट की हालत, बटन भी तोड़ दी थी। अभी लाल लोकेशन सीधे जाके अच्छी से एक्सप्लोर करते हैं। एक तरह से जो इंडिया गेट है वो शहीद स्मारक है। अभी चलते हैं ऐसे घूम के और आपको उधर लाल लोकेशन इंडिया गेट पे सीधा मिलते हैं। ओके सो गाइस, फाइनल लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। ये देखो इंडिया गेट, और यहाँ आगे पता चला है भाई आज इंडिया गेट बंद है। ये देखिए सारी पब्लिक इधर खड़ी है, यहाँ से बंद है भाई, अंदर नहीं जा सकते। बाहर से ही आपको दिखाते हूँ। ये देखिए शहीद स्मारक, और ये देखो रेलिंग पे खड़ा होके ले रहा हूँ तुम्हारे लिए। ये देखिए प्रथम विश्व युद्ध में जो ब्रिटिश सैनिकों के साथ भारतीय शहीद हुए थे उनकी याद में बनाया था, इसका निर्माण किया गया था। एक तरह से शहीद स्मारक है, इसका वास्तुकार एडविन लुइस था। इसका निर्माण 1921 से शुरू होके 1931 को पूर्ण हुआ था। ये देखिए काफी अच्छे गार्डन है, बट आज यार बैड लक आज बंद है। ये देखिए यहाँ अमर ज्योति भी दिखाता है यार, पर नहीं दिखा पा रहा, और जूम करता हूँ जितना हो जाए। ये देखिए शहीद स्मारक, प्रथम विश्व युद्ध में जो ब्रिटिश सेना के जवान शहीद हुए थे उनकी याद में बनाया था। ये देखिए सरकार का आज ऑर्डर है, आज बंद है भाई। गाइस कारण बता रहे हैं कि जो पहलवान है ना हमारे देश के, वो रैली निकाल रहे हैं, इस कारण मंडे तक ये ऑफ रहेगा। बैड लक हमारा यार, अच्छे से आपको नहीं दिखा पाया। ये देखो काफी क्राउड हो रहा है और सारे गेट पे लोग हैं, यहाँ से ही फोटो वगैरह लेके खुश हो रहे हैं। और अगर भाई चैनल पे नए हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है। ये देखो मैं ऐसे जूम करके अच्छे से दिखा पा रहा हूँ आपको। ये देखिए इंडिया गेट, सो गाइस इंडिया गेट पे ही आज का ब्लॉग एंड करते हैं। अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगे आज का, जो तीन पैलेस को आपको दिखाया है, इंडिया गेट, लाल किला और जामा मस्जिद, तो प्यार देना ब्लॉग को, लव यू सभी को, ठीक है, और सब्सक्राइब करना, लव यू दे प्यार देना वीडियो को, ठीक है, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना। ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय राजस्थान।